अक्सर आपने बहुत से लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि जनरेटिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है, या ये बैटरी एनर्जी जनरेट कर रही है, या ये जनरेटर या डीजी सेट एनर्जी को जनरेट कर रहा है। तो क्या दोस्तों ये टर्म सही है, या ऐसा कहना सही है? क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये कहना सही होगा? क्योंकि जैसा कि हम फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, की एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ऊर्जा को, एनर्जी को ना ही पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि एनर्जी का जनरेशन हो रहा है, या ये कोई मशीन या इक्विपमेंट एनर्जी जनरेट कर रहा है, एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? तो दोस्तों जो फिजिक्स का लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसमें एक और एडिशनल बात ये भी कही गई है कि एनर्जी को हम सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसे हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये कम्प्लीटली स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। तो दोस्तों एज एन साइंस स्टूडेंट्स और इंजीनियर, हमें ये नहीं कहना चाहिए कि कोई पावर प्लांट एनर्जी जनरेट कर रहा है, या कोई डीजी सेट एनर्जी जनरेट कर रहा है, या फिर कोई बैटरी या कोई पावर सोर्स एनर्जी जनरेट कर रहा है। इट कन्वर्ट्स एनर्जी ओनली। ये जो है ये पावर जनरेट करते हैं, न कि एनर्जी। ये एक पर्टिकुलर फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। वो दूसरा फॉर्म कौन सा है वो हम जानते हैं, दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन स्टेशन होते हैं उन्हें पावर प्लांट्स कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर का जनरेशन होता है। एनर्जी जनरेट नहीं होती है वहाँ पर, वहाँ पर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कन्वर्जन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं थर्मल पावर प्लांट का। थर्मल पावर प्लांट में सबसे पहले बॉयलर से जो हीट एनर्जी स्टीम के फॉर्म में निकलती है वो टर्बाइन को दी जाती है। वहाँ वो हीट एनर्जी का कन्वर्जन मैकेनिकल एनर्जी में करता है, और वही मैकेनिकल एनर्जी अल्टरनेटर को दी जाती है, वो उसका कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होने के बाद उसे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के जरिए कंज्यूमर प्रेमाइसिस तक या लोड सेंटर्स तक सप्लाई कर दिया जाता है। तो इस तरह दोस्तों हमें वर्डिंग पर ध्यान देना चाहिए। एनर्जी जनरेट नहीं की जा सकती, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। जैसे कि हमारे घरों में यूज होने वाला लैम्प, इलेक्ट्रिकल बल्ब, उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई देते हैं, तो उसका कन्वर्जन वो लाइट एनर्जी में और हीट एनर्जी में करता है। इस तरह से एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर पाना पॉसिबल है, उसे एक ऑब्जेक्ट से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर कर पाना भी पॉसिबल है, लेकिन उसे जनरेट और डिस्ट्रॉय कर पाना पॉसिबल नहीं है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो दोस्तों बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता ही है, इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन, ये दोनों टर्म्स में वो दोनों को एक ही समझ लेते हैं। दोस्तों अगर आप पावर और एनर्जी में क्या डिफरेंस है ये एकदम डिटेल्स में जानना चाहते हैं, तो आप मेरा ये वीडियो जरूर देखें। इसमें आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया गया है कि पावर और एनर्जी के बीच क्या डिफरेंस होता है, उसे कैसे डिफरेंशिएट करें। ये वीडियो देखने के बाद आम से आम लोग भी पावर और एनर्जी को समझ पाएंगे, उसे डिफरेंशिएट कर सकेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो का हमारा इंटेंशन यही था कि आपको पावर जनरेशन और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन के बीच क्या बेसिक डिफरेंस है वो समझाया जाए। पावर हम जनरेट कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी को हम ट्रांसफर और कन्वर्ट कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर कर सकते हैं। वहीं बैटरी भी करती है, डीजी सेट्स भी करते हैं, पावर प्लांट्स भी करते हैं, सोलर पैनल्स भी करते हैं। ये सब एनर्जी कन्वर्जन के सोर्सेस हैं जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों आज से हम सभी इंजीनियर्स यही कहेंगे कि पावर प्लांट्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, नॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट सप्लाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम इट्स कन्वर्जन फ्रॉम वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लाइक मैकेनिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी एक्सेट्रा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से आज कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा और आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में।